हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। घड़ी में बज गए हैं 2 और आज की ब्लॉगिंग शुरू हुई है 2 बजे से। गाइस मैं भी नहा धो के रेडी हूँ, तो अब मैं करने वाली हूँ अपना लंच। लंच के बाद आपसे मिलूंगी। और कित्यू को मासी ने बहुत अच्छे तरीके से नहला धो दिया है, रेडी कर दिया है, तो आइए दिखाती हूँ कि किस तरीके से कित्यू रेडी हो रही है। किसने रेडी किया आपको? टीका किसने लगाया आपको? छप छप किसने कराया कित्यू को? तो कोई है। मासी का नाम तो बताओ। पौधा पौधा मासी का नाम मासी है। मासी का नाम मासी है और बेबी का नाम क्या है? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। किस कलर की पैंट पहनी है आपने? पिंक। आपके हेयर कौन से कलर के है? ब्लैक। आपने नेल पेंट हैंड में कौन से कलर की लगाई है? रेड। वाह, क्या कर रहे हो आप? काम। अब जॉनी जॉनी सुना दो। जॉनी जॉनी पापा। वेरी गुड। बाय बाय गाइस। को यू डेल से किट्टू से हेलो। हेलो गाइस, हाउ आर यू? बैक टू मन चैनल। ये देखिए, ये सारे कुशन इसने फेंक दिए हैं और ये सोफा कर दिया है खाली और ये सारे कुशन इसने नीचे फेंके हैं। किट्टू किट्टू, किसने फेंके हैं सारे कुशन नीचे सोफे के? किसने फेंके हैं? आई एम टॉकिंग टू यू। किसने फेंके हैं पिल्लो सारे? बेबी। कौन है बेबी? ये बेबी। आपने क्यों फेंके हैं सारे कुशन नीचे किट्टू? पहले बताओ क्यों फेंके आपने सारे पिल्लो नीचे, सारे कुशन नीचे क्यों फेंके हैं पहले बताओ। सॉरी। ओके बेटा, इसको अगर कुछ बोलते हैं ना तो सीधा बोलेगी सॉरी मम्मा, अब नहीं करूंगी मम्मा। ये एग्जैक्टली वही बोल रही है। और जैसे मैंने कैमरा हटाया उसकी तरफ से, कह रही है बाय बाय गाइस। एक्चुअली वो मुझे करते हुए देखती है ना तो सेम चीज वो रिपीट करती है और ऐसे ही वो सीखती है। और मेरे को लगता है गाइस सारे बच्चे ना ऐसे ही सीखते होंगे। तो गाइस अभी चल रहे हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के डेज है, तो यही सब चल रहा है लाइफ में। तो ज्यादा सीरियसली हम लोग ले नहीं रहे कि क्यों इतना लेट सो रहे हैं, क्यों इतना लेट उठ रहे हैं। आज है 27 तारीख और सुनने में आ रहा है कि 1 जून से ना लॉकडाउन खुलने वाला है। तो होप सो खुल जाए तो हमारा रूटीन फिर से वही आ जाएगा कि जल्दी उठना है और अपने मार्केट जाना है, काम पे जाना है, और फिर उसी तरीके से बच्चे को भी उठाएंगे। तो थोड़ा हफ्ते भर की दिक्कत आएगी, फिर रूटीन में लाइफ आ जाएगी। अभी तो कुछ भी रूटीन में नहीं है गाइस, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। गाइस आज ना अनुपम के साथ बहुत अजीब सीन हो गया। सीन ये था कि उनको अपने मोबाइल से बहुत प्यार है और मैं हमेशा कोसती रहती थी मोबाइल पे लगे रहते हो, मोबाइल पे लगे रहते हो। और आज उनके साथ ये हुआ कि मोबाइल उनका खराब हो गया, अचानक से ना टच में प्रॉब्लम आ गई। फिर बेचारे पूरे दोपहर हम दोनों उस मोबाइल में लगे हुए हैं क्योंकि उनके कॉल्स भी आने थे और कुछ हमें बिल्स भी भरने थे गाइस, जो कि उसी में सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू हम लोग भरते हैं। तो बहुत परेशान हुए फाइनली, और मैं भी बहुत परेशान हो गई उनके साथ। मोबाइल शॉप ओनर से जान पहचान थी तो थोड़ा फायदा हो गया, उन्होंने शॉप ओपन करवाई, मोबाइल ठीक करवाया और इन सब में लग गए 3 से 4 घंटे गाइस। तो आज बड़ा हेक्टिक डे था हमारे लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ मेरी जुबान काली है, इन द सेंस अच्छे बुरे दोनों तरीकों से काम करती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो दिल से बोल देती हूँ ना टचवुड वो हो जाता है। और मजाक में मैंने बोला ये मोबाइल ना आपका खराब हो जाएगा, और मैं 3-4 दिनों से लगातार बोल रही थी, पता नहीं सरस्वती माँ कब बैठ जाती है मुंह पे, और यही हुआ, मोबाइल खराब हो गया उनका। बट परेशान अल्टीमेटली मैं भी हुई हूँ। अब ठीक है, मोबाइल ठीक हो चुका है, मोबाइल पे लगे हैं 1 घंटे से अब। और अभी किट्टू को लेने मम्मी के घर गए हैं, तो किट्टू आती है तो आप लोगों से मिलवाती हूँ। तब तक चलिए हम खाना बना लेते हैं। और आज अनुपम ना पनीर लेके आया, तो मैंने सोचा पनीर की सब्जी बना लूं। फाइनली रात के बज गए हैं 10, तो अब सब्जी बनाने का टाइम हो गया हमारा, तो आइए हमारे साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मम्मी अचार बनाने वाली है, तो मम्मी अचार बना चुकी है। उसमें ना शायद 2-3 दिन धूप में रखते हैं, पता नहीं 2 दिन से तो वो धूप में रख रही हैं। वो गांव के तरीके से बनाती है बट बहुत टेस्टी चटपटी बनता है। मम्मी ने अंबी कट करके ना उसमें शायद नमक हल्दी डाला है और 2 दिन से धूप में डाल रही है,
तो ऐसा है, मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें मसाले डालने अभी बाकी है, जब वो मसाले डल जाएंगे ना गाइस, यम्मी होने वाला है, मैं बता रही हूँ आपको। तो भी दिखाऊंगी, फिलहाल कैसा है वो दिखाती हूँ। और दो दिन से सनी ना धूप में डाल के आता है छत पे और लेके आता है, तो यही पड़ी है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। आप लोगों को खुशबू आ रही है गाइस, खट्टी खट्टी अम्बी की खुशबू नहीं आती, वैसी खुशबू आ रही है इसमें से। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं, इसी स्टाइल में बनने वाला है अचार, जब फुल बन जाएगा तो भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना वो अचार, देख देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं उसे खा लूं। तो गैस करते हैं ऑन, तो बिना गैस ऑन किए कौन सी सब्जी बन जाती है गैस? मेरे लिए ना खाना बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गैस खाना बनाना। खाने के लायक तो मैं खाना बना लेती हूँ, बट मैंने कभी रेगुलर नहीं बनाया, इसलिए मुझे इरिटेटिंग लगता है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो बना देती हूँ, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब मेरे को लगता है नहीं बनाना है मुझे, बट फिर भी मजबूरी में बनाना पड़ता है, स्पेशली इन लॉकडाउन डेज। और मैं ना वेट लूज कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, जब मेरा वेट कम से कम 10 किलो लूज हो जाएगा ना, तो मैं वीडियो बनाऊंगी ना वेट लूज का, और दिखाऊंगी आपको मैं किस तरीके से योगा करती हूँ ना। अभी मैं नहीं, मैं थोड़ी सी अभी हूँ मोटी, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है योगा टाइम में कैमरा ऑन करना, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखा देती हूँ, पर थोड़ी मैं जब पतली हो जाऊंगी ना, लगेगा 2-4 महीने 6 महीने, उसके बाद दिखाऊंगी, तब तक मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो गाइज ये वाला पनीर लेके आए मदर डेयरी का, मैं आजकल ना थोड़ी आलसी हो रही हूँ, दिख रहा है मुझे। अनुपम जी को गए हुए आधा घंटा हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हैं नीचे, मोबाइल में लगे होंगे और क्या होता है ना, खाने बन रहे हैं, हेल्प नहीं कराना। वैसे हेल्प क्या कराना, ये तो मैं छोटा सा एक सब्जी पनीर के बना रही हूँ, उसमें मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि फिर याद आती है, फिर मैं चिल्लाती हूँ उन पे लेके आओ, वो अपना मस्त रहती है, उसकी मासी होनी चाहिए साथ में, कोई टेंशन नहीं होती, मुझे भी नहीं होती और उसको भी नहीं होती। मैंने ना कैमरा ना इस साइड से इस साइड ट्रांसफर कर दिया है, यहाँ से थोड़ा मुझे लगता है कि और भी क्लियर नजर आ रहा है ना। लॉकडाउन में आप लोग क्या करते हैं यार, कमेंट करके बताइए। और अभी भी पता है आपको, मेरे 70% ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, मैं तभी जोड़ पाऊंगी ना जब आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। मेरे को ना अपनी मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है गाइस, तो मैं ये सोचती हूँ कि अभी तो मैं घर में हूँ तो ऐसे वीडियोस आ रहे हैं आपके पास, जब मैं बाहर जाऊंगी ना तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, मेरे डेली लाइफ में मैं कैसे रहती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, बोरिंग कुछ भी नहीं है इसमें, बोरिंग तब हो जाता है जब मैं घर में रहती हूँ। वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही होगी ना ज़्यादा मेरी क्लियर, क्योंकि अभी खाना बन रहा है ना तो उसकी आवाज़ आ रही है, मैंने चिमनी भी नहीं जलाई ताकि मैं आप लोगों से बात कर पाऊँ। अभी हमारे प्याज भुन रहे हैं और हमारा पनीर खट रहा है, आइए आपको दिखाती हूँ प्याज कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, काली काली कढ़ाई में बन रहा है प्याज और टमाटर का पेस्ट, और इसको अच्छे से भुनेंगे अब, है ना। सब्जी में अगर प्याज टमाटर ना हो तो खाने का क्या मजा रह जाता है, बताइए आप लोग, बताइए। बट ऑयल कम खाइए गाइस, ये तो मैं आपको बोलूंगी, कॉम्प्रोमाइज मैं कुछ कुछ चीजों में करती हूँ, सब कुछ में नहीं करती, बढ़ने दो वेट, कर लेंगे योगा शुगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, कल एक बंदे का मेरे पास फोन आता, तो मैंने बोला हेलो, तू मुझसे ही पूछ रहा है कि आप कौन बोल रहे हैं। मैं उसको बोल रही यार फोन आपने किया, आप कौन बोल रहे हैं ये तो बता दो, वो मुझसे पूछा जा रहा है आप कौन, आपको किससे बात करनी है। यार कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में यार, बचाओ इन लोगों से। मेरी कितनी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है सीढ़ी पे ना कि वो आ रही है, बहुत शोर करके आती है वो। देख किटू के लैंग्वेज में बात करती है आप लोगों से, पहले किटू आती है, फिर वो मास्क उतारती है, फिर वो स्लीपर उतारती है, फिर वो हैंड वॉश करती है, और फिर हम लोगों से मिलती है। पू 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 पू, आजा 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 आजा, पहले हैंड वॉश कर लो। गाइस ये आप लोगों से भी हाइड हो रही है, देख लो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सब्जी कैसी बनी है, उसका कलर कैसा बना है, आप लोग देख तो लो, हमारी काली काली कढ़ाई में यम्मी यम्मी सब्जी बनी है। मुझे ये कढ़ाई बहुत पसंद है, बहुत स्मूथ है, सब्जी जलती नहीं है गाइस इसमें, इसलिए मैं नॉन स्टिक में नहीं बनाती, इसमें बनाती हूँ, और बहुत यम बनी है। तो मैडम जी आ चुकी हैं
और ये देखिए हैंड वॉश हो चुका है। और आप कैसे बात करते हो, आप अब बात करो, कैसे बात करते हो? मैंने हैंड वॉश, ऐसे कौन बात करता है? ओपन द डोर। ये अपनी मासी से चिपकी रहती है, डोर पे कौन आया? अब ये डोर ओपन कर लेती है गाइस, ये देखिए। किट्टू ने बहुत परेशान किया मुझे, तीन सीढ़ी चढ़ के हाफ जाते हो और फिर बोलते हो किट्टू ने बहुत परेशान किया मुझे, किट्टू ने मुझे बहुत परेशान किया है। नहीं मत बतले, हो जाऊंगी, जो मैं बोलती हूँ मैं करती हूँ। ज्यादा फेंकना मना है मेरे चैनल पे। इतनी परेशान किया मेरे को, और अभी रात में मेरी बेटी ने मुझे बोला जबरदस्ती अब डैडा भी जींस पहनो, अभी मुझे सब चेंज करके दोबारा से मुझे जींस पहनना पड़ा है। बच्चे की बात सुनना पड़ता ही है चाहे कुछ भी कर लो। तो गाइस डिनर हो चुका है, हम लोग आर रेडी, बट हम लोग खाएंगे थोड़ी देर में। और अभी हम लोग सोच रहे जोक सेशन कर ले, तो फटाफट जोक सेशन कर लेते हैं। मेरी प्रोनाउंसिएशन, चुप हो जाओ, मेरी प्रोनाउंसिएशन में शायद थोड़ी सी दिक्कत है। जोक्स जोक जोक जोक्स जोक्स सही है। जोक सेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, फिर चलिए मेरे साथ। बच्चा तो बच्चा, बाप रे बाप, यहाँ पे ये हाल। कोई नहीं बोलने दे रहा मुझे गाइस, कोई बोलने नहीं दे रहा मुझे। सब उस रूम में लगे हुए हैं, अनुपम जी छुप छुपा के आए हैं और देख लो फोन पे लगे हुए हैं। फिर आप लोग बोलोगे ना कि गलत बोलती है, ये देखो आप, दिखाती हूँ अभी आपको। ये अभी भी फोन पे लगे हुए हैं, मैंने बोला अभी मैंने आपको बोला था कि फोन आपका खराब हो जाए। तुम्हारी काली जुबान थी, मेरा फोन खराब हो गया, मेरी इतनी मुश्किलें पता है, इतने सारे काम है बिना फोन के, और लॉकडाउन में इतनी दिक्कत से मैंने अभी जाकर के फोन ठीक करवाया है। मजा आ गया। फोन खराब होगा गाइस, किसी के कहने से ऐसे मेरा फोन खराब होने लग गया ना, तो बहुत बड़ी बात है, रहने दो, बोलने की बात है। सबको ये वरदान नहीं मिलता ना खाली जुबान का जो मेरे पास है। जोक्स शुरू होने वाला है, घटिया बोल दिया रहे मैंने हुए। और ये नॉटी बच्चा बन गया एक नंबर का, ये भी जोक्स बोलेंगी हमारे साथ। तो गाइस आज का सेशन शुरू करते हैं जोक्स का, और सबसे पहले कौन बोलेगा? हम बोलेगा। तो गाइस सारे मिलकर जोर से बोलो, जय माता दी। तो आज किट्टू ने ठान लिया है कि आज हमें जोक्स नहीं करने देगी वो क्रैक, और हमने भी ठान लिया कि हम जोक्स जरूर बोल के रहेंगे, देखते हैं इसकी। तो अनुपम जी अब करने वाले हैं जोक क्रैक, आप लोग सुनिए जरा, क्रैक कीजिए अनुपम जी, क्रैक। तो सोनू बोलता है मोनू को, मोनू तेरी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? मैंने बोलता है जाके रखो सैयम मार देना। तो बड़े ही खेत के साथ बोलना पड़ा है कि जो अनुपम जी ने जोक सुनाया वो अच्छा था, और हम लोगों ने क्लैपिंग भी की, जो कि मुझे नहीं करना था। जोर से बोलो जय माता दी। गाइस जोक की बारी मेरी, और मैं बहुत अच्छा जोक सुना रही हूं के लिए, तो ध्यान से सुनिए पति लोग, स्पेशली आपके लिए। एक पत्नी उंगली से इशारा करके पति को बुलाती है, जी इधर आइए, तो पति बोलता है हां जी क्यों बुलाया? तो फिर पत्नी बोलती है बस उंगली की ताकत चेक कर रहे हैं। कैसा लगा आपको मेरा जोक, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना गाइस, शट अप। और चलो कोई बात नहीं, अब है पूजा की बारी, पूजा सुनाने वाली एक जोक। पूजा अच्छा जी बोलो। एक डॉक्टर अपने पेशेंट से बोलता है कि तुम जो शराब इतना पीते हो, तुम्हें ये पता है कि शराब पीने के साथ साथ कसरत भी करनी चाहिए? तो फिर पेशेंट पता क्या बोलता है? क्या बोलता है? अरे डॉक्टर साहब ठेके तक तो मैं पैदल ही जाता हूँ। तो गाइस कैसा लगा हमारा जोक्स आप लोगों को, और किसका जोक बेटर था कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं गाइस। और ऑनेस्टली किसी के कहने से नहीं, किसका जोक अच्छा था वो बताएं। और आपको ना हमारा ये सेक्शन जोक्स का कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में वो भी करके बताएं, फिर हम ना आप लोगों के लिए ना नए नए जोक्स डेली लाया करेंगे।
और अभी घड़ी में बजे हैं 12, आप समझ रहे हैं रात के 12 बज चुके हैं। तो मैं इससे ज़्यादा पक पक क्या कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना गाइस, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्लाइंग काइट तो फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ में होता है बेल आइकन रेड कलर का, उसे भी हिट करें ताकि मेरे जितने भी नए नए वीडियोज आए ना सबके नोटिफिकेशन आपके फोन पे ना बराबर आए ताकि आप उसे फटाफट देख पाए। तो जल्दी मिलती हूँ गाइस अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।